दोस्तों मूवीज में कुछ अक्सर ऐसे जगह और खूबसूरत दृश्य दिखाए जाते हैं जिन्हें देखने के बाद खुद की ही आंखों पर यकीन नहीं होता। यह नज़ारा कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सांसें ही थम जाती हैं और मन चाहता है कि काश कुछ ऐसा होता कि यह काल्पनिक दृश्य सच हो जाते और हम इन्हें हकीकत में ही देख पाते। अगर आपके मन में कभी न कभी ऐसा ख्याल आया है तो दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धरती पर मौजूद कुछ ऐसे जगह जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी और इन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। फिंगल्स कैव, स्कॉटलैंड में मौजूद इस 100 साल पुरानी कैव के बारे में शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन यह कैव हाल ही में दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है और उसका कारण है इसमें मौजूद ये परफेक्ट डिजाइन जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कारीगरी का एक नमूना लगता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें मौजूद ये डिजाइन किसी इंसान ने नहीं बल्कि इसका निर्माण तो कुदरत ने ही खुद से ही किया है। इन कैव्स में मौजूद ये शेप्स वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कुछ तरह से बन गया है। आप भले ही सुनने में आपको मेरी इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इन कैव्स की एक और बात जो इन्हें और भी ज्यादा खास बना देती है वह यह है कि जब इनमें से हवा होकर गुजरती है तो इन कैव्स में से बहुत ही सुंदर आवाज सुनाई देती है, जहां इंसान बड़े बड़े टूल्स की मदद से आज कई तरह के डिजाइन का निर्माण कर रहा है, लेकिन कुदरत ने तो आज से कई 100 साल पहले ही बिना किसी चीज की मदद से खुद से ही ऐसे कारनामे को करके दिखाया है जिसे सच में जिंदगी में एक बार देखना तो बनता ही है। मास्टिकल एंटीलोप कैनियन, अब शायद ही किसी ने इस खूबसूरत जगह के बारे में नहीं सुना होगा। अमेरिका में मौजूद एंटीलोप कैनियन बहुत पुरानी है और इन पहाड़ों का नाम एंटीलोप इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कई साल पहले एंटीलोप नाम की ये जानवर घूमा करते थे जो कि काफी हद तक एक हिरन से मेल खाते हैं। करीब 6 फीट ऊंचा और 20 फीट गहरा ये पहाड़ अपने आप में काफी अनोखा है। एक समय था जब इन पहाड़ों के बीच में बीच से होकर पानी गुजरा करता था और बस उस गुजरने वाले पानी ने ही इन पहाड़ों का ऐसा रंग रूप दे दिया, लेकिन आज इस जगह पर मौजूद वह पानी पूरी तरह से सूख चुका है और ये एक काफी खूबसूरत टूरिज्म प्लेस बन चुका है। इसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता कि सच में ऐसी जगह भी मौजूद हो सकती है। इन पहाड़ों में से होकर गुजरने वाली हवाएं आज भी इसका रंग रूप बदलती रहती हैं। सेटर्निया टस्कनी, दोस्तों एक बार नजर डालिए कुदरत के इस नायाब करिश्मे पर। आपने आज से पहले ऐसे किसी भी जगह को ना ही कभी देखा होगा और ना ही इसके बारे में कहीं सुना होगा। ये जगह मौजूद है इटली में, जहां पर कुदरत ने खुद से इस नेचुरल स्विमिंग पूल्स का निर्माण किया है। जहां इसका आसपास का इलाका ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, वहीं इस पुल में मौजूद यह पानी आश्चर्यजनक तरीके से सारा साल गर्म रहता है। इस पुल को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है जिसमें पानी गहरे नीले रंग के दिखाई देता है। इस जगह पर आकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे आप परियों की दुनिया में जा पहुंचे हों। यही कारण है कि सैलानियों की सारा साल इस जगह पर भीड़ लगी रहती है। आपको इस खूबसूरत जगह के बारे में यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह जगह पूरा साल हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे बिल्कुल फ्री रहता है। मतलब इस जगह पर ठंडे वेदर में गर्म पानी में सुकून से नहाने के लिए आपको किसी को 1 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी कभी भी एकदम मुफ्त में जा सकता है। ऊटी, अगर बात हो रही हो धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत जगहों की, तो ऐसे में ऊटी का जिक्र ना भी किया जाए तो ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। ऊटी को सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग हर कोई जाना चाहता है। चारों तरफ से नीलगिरी के पहाड़ों से घिरा ये ऊटी पूरी भारत की सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है और नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप पहाड़ों से घिरे किसी हरे भरे इलाके में बादलों के बीच रहना चाहते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको ऊटी से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आने वाले सैलानियों की तादाद तो कई लाखों में है। यहाँ पर आपको धरती पर बादलों के साथ टी गार्डन, वाटरफॉल्स और घुमावदार देसी गलियां भी देखने को मिल जाएंगी। पर हाँ, यहाँ पर आने की बात घर वापस आने का दिल ना करे तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये जगह इस जगह का नशा ही कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपना आदि बना लेता है। उबुद, दोस्तों एक बार नजर डालिए धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस जगह का नाम है उबुद। कुदरत ने इस जगह का निर्माण कुछ इस तरह से किया है कि इसे देखने के बाद किसी का भी यहाँ पर आकर बस जाने का मन
करेगा। शहरी शोर से काफी दूर यह जगह इतनी शांत है जो कि सारा दिन पक्षियों की चहचहाट से गुजरती रहती है। यह जगह दुनिया के कोने कोने से नेचर लवर्स को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर कर देती है, जहां पर वो साइकिल की मदद से इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस जगह पर मौजूद कुदरत की खूबसूरत नज़ारों को देखकर किसी का भी दिल खुशी से झूम उठता है। पमुक्कले। अब बात करते हैं दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस की, जो कि तुर्की में मौजूद है। यह जगह पूरी तरह से सफेद रंग की कुछ मिनरल सॉल्ट से भरी पड़ी हुई है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सफेद रंग की बर्फ की चादर बिछा दी गई हो। चारों तरफ से सफेद रंग के नमक से ढकी हुई इस इलाके में काफी सारे छोटे छोटे नेचुरल स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं। इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी के एक गाने तू जाने ना जाने इस जगह पर फिल्माया गया है। तुर्की का ये पमुक्कले दुनिया भर में काफी फेमस है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ पहुँचते हैं। उलिंगुवान सीनिक एरिया। जहाँ चाइना दुनिया भर में कई तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वहीं इस देश की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको कुदरत के ऐसे दिलचस्प नज़ारे को देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है, और इन्हीं नज़ारों में से एक है ये जगह भी। दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड की अवतार मूवी को देखा है तो आपने इसमें दिखाए गए हवा में उड़ने वाले कुछ इस तरह के पहाड़ों को देखा होगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही पहाड़ है जिन्हें अवतार मूवी में दिखाया गया है। इस एरिया को तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में एक होने का खिताब दिया जा चुका है। यह पूरी की पूरी जगह 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसमें 3000 से भी ज्यादा छोटे छोटे पहाड़ मौजूद हैं, और सर्दियों के मौसम में तो इस जगह का नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। ऐसे में जब यहाँ पर पड़ने वाली फॉग पहाड़ों को अपनी पतली चादरों से ढक देती है, तब ये पहाड़ तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में इन पहाड़ों को नीचे से देखने पर उनका ऊपर का भाग नजर ही नहीं आता, और ऐसे में ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये पहाड़ आसमान में किसी दूसरी ही दुनिया में जा रहे हों। और ऐसे में कुछ सैलानी तो इन्हें हेलीकॉप्टर या ड्रोन की मदद से देखते हैं, जहां से ये पहाड़ बादलों में तैरते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, हवा में तैरते इन पहाड़ों के ऊपर आपको पेड़, वाटरफॉल और यहां तक कि लेक्स भी देखने को मिल जाएंगी। हुआ का चेना। कहा जाता है कि रेगिस्तान में पानी का होना नामुमकिन है, लेकिन यह जगह इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर देती है। रेत के बीचों बीच में मौजूद हुआ का चीना नाम की ये जगह पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। यहाँ पर मौजूद इस लेक का पानी हरे रंग का है, जिसके साइड में इस शहर को कुछ इस तरह से बसाया गया है कि यहाँ पर कोई भी आकर रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाहरी दुनिया से काफी दूर रेत के बीचों बीच में मौजूद ये जगह को दुनिया की हर एक फैसिलिटी मिल जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर से बहुत सारे लोग प्रकृति के इस नायाब नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर एडवेंचर के लिए सैंड बोटिंग भी की जाती है। वैसे कि आप रेत के बीचों बीच में मौजूद इस हरियाली भरी जिंदगी को जीना चाहेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ग्रेट स्टैंडिंग स्टोन्स। अब आप अपनी स्क्रीन पर जिन बड़े पत्थरों को देख रहे हैं, ये रसिया की 7 वंडर्स के नाम से जाना जाते हैं। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पत्थरों पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये पत्थर तो आज से करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा साल पुराने हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा 7 स्ट्रॉन्गमैन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के लोगों के लिए यह पत्थर एक आस्था का केंद्र है। उनका मानना है कि ये पत्थर तो उनकी भगवान की निशानी है, जिन्हें उन्होंने खुद से ही बनाया है। करीब 150 फीट तक ऊंचे ये पत्थर अपने आप में काफी अनोखे हैं। दुनिया भर के कई रॉक क्लाइंबर्स ने इन पत्थरों पर चढ़ने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई भी इन पर चढ़ पाने में सफल नहीं हुआ। हालांकि वो इससे भी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं, लेकिन इन रॉक्स पर चढ़ पाना उनके लिए नामुमकिन है। सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढक जाने के बाद ये रॉक और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में इन्हें देखने के लिए दुनिया भर के लोगों के यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। राजा एम्पर्ट आइलैंड। इस आइलैंड का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये जगह तो इंडिया में ही मौजूद होगी, लेकिन यह आइलैंड इंडिया में न होकर इंडोनेशिया में मौजूद है, और यह पूरा का पूरा आइलैंड 1500 से भी छोटे द्वीपों का एक समूह है, और ये हरे भरे आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। इस आइलैंड का पानी इतना साफ है कि इसके पानी के नीचे की सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। इस आइलैंड पर कई सारी गुफाएं हैं, जहां पर लोग अपनी पर्सनल बोट से उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां तक कि इस आइलैंड में तो पानी के नीचे भी बहुत सी गुफाओं को खोजा जा चुका है। ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन का इतना बड़ा केंद्र बन चुका है कि यहां पर तो छोटे छोटे होटल्स को भी बनाकर तैयार किया गया है। पर हाँ, यहां पर रहकर इस जगह का लुत्फ उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर रहना इतना महंगा है कि दुनिया के कुछ गिने चुने अमीर लोग ही इन लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं। ब्लू कैनाल यूटा दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारी मात्रा में नमक का भंडार मौजूद है। यहाँ पर जगह जगह पर कई मील लंबी सॉल्ट लेक्स मौजूद है, लेकिन इनमें से एक लेक के पास एक ऐसी खूबसूरत नहर बनी हुई है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नहर को जो कोई भी देखता है उसे हैरानी होती है, क्योंकि ये नहर है ही ऐसा। इसकी खूबसूरती को देखकर दूर दूर से लोग इस नहर को देखने के लिए यहाँ पर आ पहुँचते हैं और इस नहर में बोट चलाकर लुत्फ लेते हुए नजर आते हैं। और इस नहर की खासियत ये है कि इसमें कोई भी डूबता नहीं, क्योंकि इस नहर के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी इंसान को ऊपर उठाए रखता है। लेकिन फिर भी कुदरत की खूबसूरती से भरे इस इलाके में जान जाने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि यह पानी और इस इलाके की जलवायु हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। फिर भी दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स इस जोखिम को उठाने के लिए पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।